कोरोना वायरस की चेन लगातार मजबूत होती जा रही है, जिसके चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पतालों में बेड्स की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी के कारण भी लोगों की जाने जा रही है, जिसके चलते आम जनता लगातार सरकार और प्रशासन को कोसती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी है कि जहां पर आमजन अव्यवस्थाओं के चलते प्रशासन और सरकार को कोस रहा है, वहीं दूसरी ओर गाइडलाइंस की पालना करने में पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। कोरोना वायरस के भयावह रूप को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है और कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की गई है, लेकिन जनता है कि कोरोना वायरस की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रही। पुलिस प्रशासन लोगों को लगातार कोरोना की गंभीरता के प्रति सतर्क कर रहा है और बार बार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए अपील कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा अब भयावह होता जा रहा है। इसी के चलते कई राज्यों में पाबंदियां लागू की गई हैं और इन पाबंदियों की पालना करवाने की जिम्मेदारी है खाकी के कंधों पर। इसी के चलते कोविड-19 से लोगों को बचाने में जुटी पुलिस भी अब लगातार सख्ती दिखा रही है। कोरोना संक्रमण जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, पुलिस की मास्क को लेकर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस शहर में जगह जगह चेकिंग प्वाइंट बनाकर बेवजह या बिना मास्क पहने अपने घरों से निकल रहे लोगों पर कार्रवाई की। पाबंदियों के बीच जगह जगह पुलिस और जिला प्रशासन दिन रात सड़कों पर चेकिंग कर रहा है। इसी कड़ी में दौसा में पुलिस ने सड़कों पर चेकिंग की और बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों को खदेड़ा। शहर में स्थापित नाकों पर पुलिस का पहरा रहा, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जाती रही, जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस के अधिकारी बार बार लोगों को कोरोना की गंभीरता समझाते रहे। मैं फिर अपील कर रहा हूँ, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को मजाक में ना लें। चार दिन बाद फिर यही लोग रोएंगे कि साहब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि सिस्टम, अगर आप लोग हो तभी सिस्टम है, अदरवाइज सिस्टम कुछ नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ का मुकाबला 2000 आदमी नहीं कर सकते। अगर आप लोग सेंसिटिविटी नहीं बरतोगे और कल को आप आगे ये कहते हो कि साहब प्रशासन हमारे को बेड नहीं उपलब्ध करवा रहा, प्रशासन हमारे को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, तो इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। आप लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें, ये चीज़ मजाक नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बता दिया है, कृपया करके घरों में रहो, डेंजरस वायरस है, 2 दिन सब्जी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, इस चीज़ को समझो। ब्याह शादी हो सकता है, आप एक तरफ आपकी ब्याह शादी चल रही हो और आपके परिवार में कुछ लोग चले जाएँ इस कोरोना में, इस चीज़ को समझिए आप लोग। आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे विनती है, कृपया करके इस चीज़ को समझें, ये चीज मजाक नहीं चल रही है। रोज आप लोग टीवी देख रहे हो और हमारे जवान लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं, कल को ये नहीं हो कि हमारे पास जाबता ही नहीं हो जो बेसिक काम करने हैं। इसलिए हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने घरों में रहो। इसी तरह जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज भी नगर निगम की टीम की ओर से भदवासिया स्थित सब्जी मंडी में 11 बजे के बाद संचालित हो रही दुकानों को सीज किया गया। इस दौरान सब्जी मंडी की दुकानों के बाहर सब्जियां बेचने वालों की सब्जियां जब्त की गई। नगर निगम अधिकारी मोहन किशन व्यास ने बताया कि लोगों को हिदायत दी जा रही है कि गाइडलाइंस की पालना करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मंडी में जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम कल से हमने वार्निंग दी है, आज भी वार्निंग दी है कि आपका निर्धारित समय 11 बजे का है, उसके बाद अपना सामान रोड से हटा लें। ये व्यापारीगण अपने दुकान के आगे कम से कम 30-40-50 फुट रोड पे सामान बेच रहे हैं, इससे सड़क छोटी हो गई है और जो व्यापारी खरीदना आता है उससे और ये भीड़ भाड़ हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको यहाँ चाहिए कि जो दुकानदार है वो पीछे चले जाएँ, ताकि जो जनता सामान सब्जी खरीदने आ रही है उनको माकूल सड़क मिल जाए चलने के लिए, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी मटेरियल बन जावे। सड़क छोटी होने से बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो रही है और ये खराब है माहौल यहाँ पर। शहर में बढ़ते कोरोना को लेकर अब नगर निगम के साथ साथ भारत स्काउट गाइड्स के बच्चे भी लोगों को जागरूक करने की मुहिम में शामिल हो चुके हैं। भारत स्काउट गाइड्स के बच्चों ने आज जोधपुर के पावटा चौराहे पर पहले रंगोली बनाकर लोगों को जागरूक किया, उसके बाद रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही मास्क भी बांटे। रैली को उदय मंदिर थाना अधिकारी राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कोरोना अवेयरनेस को लेके
तो जो सेकंड वेव आई है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमें आज स्काउट्स जो युवा है स्काउट्स और गाइड्स उनका हमको सहयोग मिला। तो इन युवाओं के मार्फत हम लोगों ने जो है फ्री पैम्पलेट्स वितरण है, फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने ड्राइव चलाई है। तो ये पावटा सर्कल से लेके हम घंटाघर तक की ड्राइव चला, जो बच्चे थे उनके द्वारा और नगर निगम के संयुक्त अभियान में पुलिस के साथ में एक रैली का भी यहाँ से शुरुआत की गई है, जो यहाँ से लेकर के मेटती गेट जाएगी, मेटती गेट से बम्बा मोहल्ला में जाएगी, धान मंडी में जाएगी और घंटाघर जाकर के इसका समापन होगा। इन बच्चों द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना जो महामारी है इसका बचाव सिर्फ मास्क पहनने से और आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना लोग बाग अपने घरों में ही रहे। ये छोटे छोटे बच्चे अपने उसके द्वारा इन लोगों को समझाइश करेंगे, जो लोग बिना मास्क के उनको मास्क बांटेंगे, उनको बताएंगे कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बहुत ही अति आवश्यक कार्य हो तो अपने घर से निकलें, वरना अपने घर में ही रहें, जिससे इस कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद क्या होगा, इसकी चिंता अभी भी लोगों में नहीं दिख रही है। जागरूकता के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। पुलिस है कि उनको समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पुलिस अगर डंडा चलाए तो भी आलोचना करने वाले पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन जरूरत है लोगों के कोरोना वायरस को लेकर गंभीर हो जाने की। पंजाब के सी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी और दौसा से एच एन पांडे की रिपोर्ट।